नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके समक्ष हिंदी के क्विज सेशन का एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम देखते हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने इसकी 4 क्लासें और अपलोड कर दी हैं, जहां पर हमने आपको 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से अभी तक आपको कुल 90 क्वेश्चन करा दिए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वो 4 जो पार्ट है वो चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 20 आपके प्रश्न हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी परीक्षाओं में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ के निकलने वाले एक एक क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि आंख का पर्यायवाची है। तो आपको आंख का पर्यायवाची बताना है। आपके पास ऑप्शन है चश्म, अभ्र, विभु या फिर वाय। तो दोस्तों, यहां पर विकल्प बी से हो जाएगा, आंख का पर्यायवाची है अभ्र। आंख के कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची में आपको बता देना चाहता हूं कि नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, अक्ष, चक्षु, सुदृक, चाक। इस प्रकार से आंख के पर्यायवाची हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि एक वीडियो मैंने किए थे पर्यायवाची शब्द से, वहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द मैंने करा दिए थे। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वो पर्यायवाची शब्द का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। तो जो सरिता है, इसका कौन सा पर्याय नहीं है। तो दोस्तों, इसका विकल्प भी हो जाएगी त्रिपथ का। दोस्तों, सरिता जो शब्द है, इसका पर्यायवाची आपका तरंगिणी भी है, निम्ना भी है और तरंगिणी भी है। और जो त्रिपथ का है, यही इसका पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शशांक जो शब्द है, शशांक, ये किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, शशांक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है। तो शशांक, या फिर पूछे कि शशांक का शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो चंद्रमा। इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि गे शब्द जो है, गे शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों, गे शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा गृह, गृह, घर, निकेत, ये सब किसका है, गे का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गृह जो शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या है, गृह है। गृह नाम वाले ऑप्शन में तो निकेत है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो अश्व शब्द है, अश्व मतलब दोस्तों होता है घोड़ा, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से कौन घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास ऑप्शन है तरंग, घोटक, घोड़ा या फिर हय। दोस्तों, घोटक भी आपके अश्व का पर्यायवाची है, घोड़ा तो है ही है, और हय जो शब्द है, ये भी आपके अश्व का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पर जो तरंग शब्द दिया है, वही घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तरंग घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि इसी से मिलता जो शब्द है तुरंग, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। यहां पर तरंग दे दिया गया है, तो यही इसका पर्यायवाची नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, ये विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों, जब मैंने कुछ पुराने पेपरों का एनालिसिस किया, तो वहां पर मैंने देखा कि आपके विलोम शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, तत्सम से, तद्भव से, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों का संग्रह किया है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अब मुहावरे से क्वेश्चन आ रहे हैं। मुहावरे लोकोक्ति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए ये, कि छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या है। दोस्तों, छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हराना। दोस्तों, इसका विकल्प बहुत लोगों के मन में चलता है कि क्रिकेट के खेल का एक नियम जो छक्के छुड़ाना, ये नहीं होता है। क्रिकेट में हरा देते हैं, तो वहीं पर किया जाता है कि छक्के छुड़ा दिए, तो उसका मतलब होता है हराना। और दोस्तों, आपके जो मुहावरे शब्द हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों से मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आने वाला हूं, वहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से मुहावरे करा दूंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर मुहावरे से क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसे आसानी के साथ कर लेंगे। फिलहाल जितना भी क्वेश्चन यहां पर मैं मुहावरे से करा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है, तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा कि भेद का पता लगना, इसका अर्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुहावरे से ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नारियल शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है। दोस्तों, नारियल एक प्रकार का तद्भव रूप है, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि तत्सम क्या होता है। जो शब्द संस्कृत से डायरेक्टली लिए गए हैं, उन्हें तो तत्सम रूप कहते हैं, लेकिन जो उसमें कुछ विकृत करके, कुछ परिवर्तन करके लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं नारियल, उन्हें कहते हैं आपकी तद्भव शब्द। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नारियल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है। तो इसका तत्सम रूप होता है नारिकेल। और नारियल शब्द दोस्तों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों पक्का याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करपट जो शब्द है, इसका तद्भव क्या है। करपट शब्द का तद्भव क्या है, कटरना
कपाट, कपड़ा या फिर कपट। तो दोस्तों इसका विकल्प सी जगह कपड़े का जो तद्भव रूप होता है वो होता है करपट, या फिर कहते हैं कि करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो कपड़ा है, क्योंकि कपड़ा एक प्रकार का तद्भव शब्द है और इसी का तत्सम रूप है आपका करपट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो गेहूं शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों बहुत बार कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला एक, ये वाला एक जो नारियल वाला, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा है जो गेहूं शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो गेहूं आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या है, दोस्तों इसका तत्सम रूप है गोधूम। क्या है? गोधूम। गोधूम इसका क्या है? आपका तत्सम रूप है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं जीके की, तो मैं अभी फिलहाल में बात करूं तो जो संविधान है, जो आपका संविधान है, इसको एक तरफ से एक तरफ तक मैं खत्म करा रहा हूं, ए टू जेड आपको कराया जाएगा। एक क्लास में अभी एक ले आ चुका हूं इसकी, अभी आपकी ये क्लास आ चुकी है जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। वहां पर आप दोस्तों क्विज वीडियो के माध्यम से लगभग से आपकी 15-20 क्लासें आएंगी और पूरा संविधान आपको खत्म करा दिया जाएगा। तो इस जो वीडियो की इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन लाइन में लिंक दे दी है, संविधान के जाइए उसको देख लीजिए पहली क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप संविधान के मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो हिंदी की मैंने ये क्लासें और प्रारंभ कर दी है। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि आपको 5 पार्ट आएंगे हिंदी के, तो ये आपका 5वां पार्ट है, यहां से ही पार्ट समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने यूपीएसआई की क्लास के लिए, यूपीएसआई की क्लास के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए, आपके यूपी लेखपाल के, यूपीपी के लिए एक नई क्लासें जो शुरू की हैं, वहां पर मैंने अभी आपको एक वीडियो डाल दिए हैं, वहां पर आपको कुल 40 क्वेश्चन एक वीडियो के माध्यम से कराए जाते हैं। तो 5 वीडियोस के आएंगे तो आपको 200 क्वेश्चन वहां से हिंदी के तैयार हो जाएंगे। तो वो 200 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाकर इस वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन लाइन में है, देख लीजिएगा, वहां पर अभी एक वीडियो मैंने डाल दी है, तो जाकर 40 क्वेश्चन को देख लीजिए और इसकी 5 पार्टें को लाएंगे तो आपको 200 क्वेश्चन वहां से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि गेहूं जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है, तो गोधूम है। क्या है? गोधूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि एक की वर्तनी शुद्ध है, तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है, तो उन्नयन जो शब्द है इसका वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो उसमें विकल्प भी से जाएगा इस प्रकार से उन्नयन लिखा जाता है। वर्तनी शुद्ध से भी दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य आते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखी है, इसकी रचना किस बोली में की गई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करता है कि रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है, तो विकल्प ऐसा हो जाएगा कि अवधी भाषा में, कहीं कहीं पर विकल्प उसका देता है संस्कृत, तो बहुत लोगों के मन में चलता है कि रामायण जो है इसकी रचना संस्कृत में की गई, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही चलता है, जो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी उसकी रचना आपको संस्कृत भाषा में की गई थी, लेकिन उसी का अवधी रूप में रूपांतरण किया था तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, तो यहाँ पर तो आपसे रामचरितमानस पूछ रहा है, तो इस वजह से रामचरितमानस पूछ रहा है, तो इसका भाषा हो जाएगा अवधी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो संचारी भाव होते हैं, ये आपके रस चैप्टर का क्वेश्चन है, कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर संचारी भावों की कुल संख्या 33 हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या से हर प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रख लीजिए कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि फूले कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार कौन सा है, तो दोस्तों जहां पर आपको ये शब्द जनु वाला आ जाए, तो यहां पर जो भी आपके वाक्य में अगर या फिर वाक्य में आपको जनु शब्द आ जाता है, तो याद रखिए कि वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, तो फूले कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो यहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आपके शब्द होते हैं जनु, जन जानो मनु मानो जनहु मनहु, ये पांच के 6 शब्द अगर आ जाते हैं वाक्य में, तो आपका वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, यहाँ पर जन शब्द आ गया, जन जानो मनु मानो जनहु मनहु, इस प्रकार से इस शब्द को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभावना अलंकार क्या होता है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर आपका ये अलंकार होता है विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनुपद चलाई सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे बिध नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है, तो इस चौपाई में आपका क्या है विभावना अलंकार है, यहाँ पर क्या है आपका विभावना अलंकार है, बिनुपद चलाई सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे बिध नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गैर उबरी मोती मानस चून, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इसमें छंद कौन सा है इस आपके वाक्य में, तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रकार का दोहा है, आप लोग शुरू से ही जानते हैं कि रहमान का दोहा बहुत ही प्रचलित है, तो रहमान पानी राखी है बिन पानी सब सुन पानी गए न उगरे मोती मानस चून, तो ये प्रकार क्या है आपका दोहा है छंद के माध्यम से।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण मैंने आपको पहले बता दिया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और शब्द है आपका नीली साड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विशेषण है ये साड़ी की विशेषता बता रहा है कि जो साड़ी है वो नीली साड़ी है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? ये प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। याद रखिए दोस्तों जो आपके विशेषण होते हैं ये कुल चार प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो कुल चार प्रकार के होते हैं, आपका संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या फिर आपका एक चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इन चारों विशेषणों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन क्या है, किस प्रकार का आपको बताना है कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। आपके पास ऑप्शन है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कि कालवाचक। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये विकल्प डी से हो जाएगा कि ये कालवाचक विशेषण है। यहाँ पर समय का बोध होता है, प्रतिदिन से कहने से क्या समय का बोध होता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दोस्तों क्रिया विशेषण एक प्रकार का अविकारी शब्द है क्योंकि यह एक प्रकार का अव्यय है, और दोस्तों अव्यय होते हैं आपके अभिकारी शब्द होते हैं, तो उसी का एक भाग आपका क्रिया विशेषण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है। तो 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है दोस्तों? विशेष्य मैंने आपको पिछले क्लासों के माध्यम से बताई है कि विशेष क्या होते हैं। विशेष दोस्तों वे होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है, विशेषण के माध्यम से जिसकी भी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको शब्द लगाया था नीली साड़ी, तो यहाँ पर नीली क्या थी, नीली क्या थी, नीली तो आपका विशेषण था, ये विशेषता बता रहा था, लेकिन विशेषता किसकी बतला रहा था, तो साड़ी की। तो साड़ी में क्या था, विशेषता। यहाँ पर देखिए 4 लीटर दूध, तो यहाँ पर विशेषता तो बता रहा है ये 4 लीटर, लेकिन किसकी, दूध की। दूध की विशेषता बतला रहा है कि जो दूध है वो 4 लीटर है, तो उसमें विशेष क्या है, आपका दूध है। याद रखिएगा विशेषण विशेष में कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो आपका साइंस है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं साइंस की, तो इसकी भी मैंने आपको 8-10 क्लासेस आपसे ली हैं, वहाँ पर आपको लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। तो इस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में दी है, जाकर देख लीजिए। साइंस के जितने भी क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में 25 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विशेषण विशेष में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यही था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, और यहाँ से हमारी ये पार्ट 5 समाप्त हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये 5 पार्ट अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस पार्ट 5 को ही देख रहे हैं तो इसके 4 पार्ट को देखना ना भूलिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको प्रोवाइड करा दी है। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।